रोमन जेम्स का होता है कि प्लेन इमेंस प्लेन और टेंसाइल इमेन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट को इग्नोर करता है। प्लेन प्लेन होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ इग्नोर करता है, ठीक है। फ्लक्चुएशन कॉन्क्रीट का 0.0035, स्टील का 0.002 प्लस 0.87 एफ आई अपन ई एस, ठीक है। कॉन्क्रीट 0.00, स्टील का 0.002 प्लस 0.87 एफ आई अपन ई एस, ठीक है। स्पेसिंग होता है वो करके कंट्रोल करता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन फाइनल में एल अपन 350 या 200 और जस्ट अभी तुरंत क्या हो एल अपन 250। फिर से बोलो, फाइनल मतलब इंक्लूडिंग फिनिश एल अपन 350 और 200, जस्ट में एल अपन 200, ठीक है। एच वाई एस टी कॉज लेस परसेंटेज लोकेशन, हाई स्टील अगर यूज करोगे तो लेस परसेंटेज लोकेशन होगा, ठीक है। रिमूवल श्रिंकेज मतलब क्या हो कि ए एस सी ए एस टी के बराबर हो जाए, स्टील की ही बात हो रही, ठीक है। कंप्रेसिव और टेंसर दोनों में सेम हो जाए। श्रिंकेज कंप्रेसिव श्रिंकेज में अल्टीमेट लिमिट स्ट्रेन यूज करते हैं क्योंकि इसमें लार्ज इलास्टिक स्ट्रेन होता है। फिर से बोलो, क्रीपर श्रिंकेज में हम अल्टीमेट लिमिट स्ट्रेन यूज करते हैं क्योंकि इसमें लार्ज इलास्टिक स्ट्रेन होता है, ठीक है। पार्टिकल सेफ्टी फैक्टर देखो, कॉलेक्स में 1.5 दो हो तो 1.5, 3 हो तो 1.2, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, सीयर फ्लेक्चर। सर्विसबिलिटी पहले सी प्लस एफ, सर्विसबिलिटी भी कहते हैं डीएल पर एक हो और दो हो तो डीएल पर 0.8 एल एल ए, समझ में आएगा। कॉलेज में 1.5 1.2, इसमें 1 और 0.8, ठीक है। इसका एग्जाम्पल का वाइब्रेशन और डिफ्लेक्शन, ठीक है। डेक्स लैमिनेट तीन होते हैं, इफेक्टिव विड्थ पिगआउट्स और वेस्टरगार्ड। इफेक्टिव विड्थ में क्या होता है, व्हील लोड होता है थ्रू वेयरिंग कोट होता है, डेक्स स्लैब होता है ट्रांसपोर्टेशन। फिर से बोला हूँ, इफेक्टिव विड्थ में कौन होता है, व्हील लोड थ्रू व्हील लोड मेथड होता है वो वेयरिंग कोट के अलॉन्ग थ्रू होता है और डेक्स स्लैब में ट्रांसपोर्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब ये देखो, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल इज डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब एलएसए में क्या होता है, फैक्टर सेफ्टी कम होता है, स्ट्रेस ज्यादा होता है और बेंड ऑन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन और बेंड ऑन बॉल स्ट्रेस। फिर से बोल रहा हूँ, लिमिट स्ट्रेस मेथड में फैक्टर सेफ्टी लो होता है, स्ट्रेस हाई होता है, बेस्ट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेन ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी अप्रोच होता है, ठीक है। इसमें स्मॉल डेप्थ का यूज करता है, मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट यूज करता है, ठीक है। डेप्थ स्मॉल टू बट रिइंफोर्समेंट ज्यादा होता है, ठीक है। डब्ल्यू एस एम में क्या होता है, स्ट्रेन कॉन्क्रीट स्ट्रेन सेम होता है, स्ट्रेन सेम होता है, ठीक है। स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन कॉन्क्रीट और स्टील में सेम होता है, स्ट्रेस नहीं, ठीक है। परफेक्ट बॉन्डिंग होता है स्टील और कॉन्क्रीट के बीच में। टाइप ऑफ मेसनरी ब्रिक और इक्यूजोन पांच होते हैं, पांच होता है। अर्थक्विक में पहला नहीं होता, ठीक है। अर्थक्विक में पहला नहीं होगा, ठीक है। मतलब दो तीन चार होगा, ठीक है, दो तीन चार पाँच, ठीक है, पाँच होंगे जिसमें से पहला नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखो, अर्थक्विक में भी पांच होते हैं बट उसमें एक नहीं होगा। मेसनरी ब्रिक भी टाइप के पांच ही होते हैं। पार्शियल सर्विसबिलिटी कॉन्क्रीट में 1.5, स्टील में 1.15, ठीक है। कंक्रीट क्वालिटी कंट्रोल डिफरेंट हो इसलिए कंक्रीट में ज्यादा 1.5, ठीक है। अब एफसी क्या होता है, एवरेज से कम होता है, देख रहा है। अंडर इनफोर्स डीपर होता है, स्टीफर होता है, लार्ज रिफ्लेक्शन, डीपर स्टीफर लार्ज रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। सी कॉस्ट पीसीसी में M20 यूज करेंगे, आरसी में M30 यूज करेंगे, एडिशनल कवर 140, ठीक है। अब नॉर्मल देख लो, पीसीसी में 15, आरसी में 25, ठीक है। प्रिवेंशन में क्या, सीयर की क्लिक स्लाइडिंग यूज करेंगे जो कि कंपोजिट में भी सीयर की क्लिक स्लाइडिंग, सीयर की स्लाइडिंग से बचाता है, स्पेलिंग कोरोजन से बचाता है, सीयर कनेक्टर कंटिन्यूअस लेटरल सपोर्ट देता है। फिर से बोलो, सीयर की स्लाइडिंग देता है, स्पेलिंग कोरोजन देता है, सीयर कनेक्टर कंटिन्यूअस देता है, ठीक है, कंटिन्यूअस लेटरल सपोर्ट देता है, ठीक है। डब्ल्यूएसएम में देख लो, स्ट्रेन कॉन्क्रीट और स्टील में सेम होता है, स्ट्रेस नहीं, ठीक है। परफेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन स्टील और कॉन्क्रीट के बीच में परफेक्ट बॉन्डिंग होता है, M204 ये होगा, SCMC बोल, ठीक है। देखो डब्ल्यूएसएम में क्या होता है, स्ट्रेन कॉन्क्रीट और स्टील में सेम होता है, ठीक है, स्ट्रेस नहीं, परफेक्ट बॉन्डिंग होता है स्टील और कंक्रीट में, M204 अपन ये और ये, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव वेलोसिटी ये क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिक कंक्रीट, लोकेट प्रेजेंस ऑफ क्रैक, ठीक है। प्लेन इवन प्लेन का मतलब क्या, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, ठीक है, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, ठीक है। प्लेन इवन प्लेन मतलब ये हुआ, ठीक है। अब ये देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए हम स्ट्रेट अपू 0.02 होता है, उसके बाद पैराबोलिक होता है, ठीक है। स्ट्रेट होता है 0.02 के लिए, फिर उसके बाद पैराबोलिक होता है, ठीक है। टाइप ऑफ ब्रिज देख लो, सबसे बढ़िया होगा तुमको ये ब्रिज, सॉफ्ट ब्रिज और दूसरा क्या होता है आर्क, पहला सॉफ्ट ब्रिज दूसरा होगा आर्क। परसेंटेज रिफोर्स देख लो, 100 से 400 के लिए माइल्ड 0.2 से 0.3, एच वाई एस टी 0.24 से 0.16, ठीक है। थिकनेस बढ़ेगा तो रिफोर्समेंट घटेगा, ठीक है। टेंसर स्ट्रेंथ रिफोर्समेंट 0.24 एफ सी के होगा से ज़्यादा, साइड रिफोर्समेंट डी 75 से ज़्यादा होगा, स्पेसिंग 300 या विड्थ ऑफ बेड, डी जो है कैपिटल डी 75 से ज़्यादा होगा, स्पेसिंग 300 विड्थ ऑफ बेड होगा, ठीक है। टोटल एरिया का 0.1% ऑफ वेव, ठीक है। टोटल एरिया कितना होता है, 0.1% ऑफ वेव, मतलब क्या कि दोनों साइड इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, 0.05 इस साइड, 0.05 उस साइड, ठीक है। अब आगे देखिए, स्ट्रेस बता चुका हूँ, ये सब स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, 250 के लिए 0.53, मतलब एफ ई बढ़ेगा ना तो ये एस क्यू मैक्स कम होगा, ठीक है, 0.46, ठीक है। देखो अब एल अपॉन डी 7 होना चाहिए, 20 होना चाहिए 26, एल 60 भी प्लस 250 और उसका, और ये देखो 60 250 ये एस एस बी में होगा, एस एस बी है कंटिन्यूस और ये कैंटिलीवर भी, ठीक है। अब ये देखो, अब इसमें देख लो, ये हम कर चुके हैं, ये मॉडुलर नो होमोजेनियस क्लिक वाटर कमेंट कंप्रेसिव के 7 दिन पर 200, ये सब पता है तुम्हें, ये सब 2/3 एल लेस देन 2/3 एम सी 15 होता है, ये सब पता है तुम्हें, ठीक है। स्पेसिंग 3D होगा या फिर 300 होगा या फिर 5D होगा 450। स्लैब में मिनिमम कवर कितना रहता है, डी बार या फिर 15, स्लैब में डी बार या फिर मिनिमम, फुट बार में एस बी सी एफ याद रखना, एस बी सी एफ, एस में 15, बी में 25 और 50 सेल, ठीक है। कॉलम में 40 होगा या 25 होगा, 12 से ज़्यादा के लिए 40 होगा, उससे कम है, ठीक है। स्टेट के इसमें 15 रखते हैं, ठीक है, एस बी सी एफ, ठीक है, 15 25 15 25 हुआ, ठीक है। अब मॉडल रेसी देखो, 280/30 की वजह से ये सब बता चुका हूँ। इंपैक्ट लोड का पता है कि लोड हमेशा लोडेड नहीं होता, इसलिए हम इंपैक्ट फैक्टर यूज़ करते हैं।
पर मतलब एल बढ़ेगा ये खत्म होगा ठीक है। लोड फैक्टर में क्या होगा ये अल्टीमेट अपन वर्किंग लोड लोड 2.2 डेड लोड 1.5 ठीक है। फिनकेस कोफिशिएंट 0.0003 0.0003 होता है ठीक है। क्रिप कोफिशिएंट क्या होता है 7 में 2.2 28 में 1.6 और 1.1 ठीक है। इंड फुटिंग स्लिप ये देखो इंटरमीडिएट पानी होगा 0.9 मैक्सिमम साइज एग्रीगेट कितना होगा 20 mm और अल्फा कितना होता है 12 × 10⁻⁶। ये कॉन्क्रीट एलुमिनियम के बराबर ही होगा ठीक है। दोनों का सेम अलग बोला हुआ मैक्सिमम साइज कोर्स एग्रीगेट कितना 20 mm और ये रहा ये समझ में आ गया। अब आगे देखो डिजाइनिंग के लिए क्या करते हैं देखो पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स ये रहा एक्चुअल कैसे निकालते हैं बी एन स्क्वायर अपॉन ये से थ्योरेटिकल यहाँ से निकालते हैं फिर देख लो आर। अब 250 के लिए केस करो 0.4 और आर होता है 0.074 415 के लिए 0.314 ठीक है। इसमें देख लो 0.149 0.138 0.148 हो एक्चुअली 0.148 0.138 0.133 ठीक है। ये देख लो भाई एक्स यू पॉइंट डी तुम्हें पता है कि कैसे निकालते हैं देख लो ठीक है। अभी देखो टी बीम में इफेक्टिव बीम के लिए पूछ रहा तो एल नॉट अपॉन 6 + d ओवर और एल बीम के लिए क्या करें जो ऑड वाले टर्म्स उसको हाफ कर देंगे देख रहा है। अब आइसोलेटेड में एल नॉट अपॉन एल नॉट b + 4 ये bw ये ग्रेटर देन होना चाहिए b से ठीक है। ये ग्रेटर देन b होना चाहिए ठीक है। ये b जो है इससे बड़ा होना चाहिए ठीक है। इन फॉर्मली के लिए df/2 इज इक्वल टू 2.2 नॉर्थ इंडिया विदिन फ्लैंज तो ये फॉर्मला यूज करेंगे नॉर्थ इंडिया आउटसाइड फ्लैंज मतलब ये तो इसमें क्या करेंगे ये यूज करेंगे नॉर्थ इंडिया आउटसाइड फ्लैंज के लिए df लीजिए और yf का यूज करेंगे जहाँ से df है ना कैपिटल df उसको हम yf से रिप्लेस करेंगे ठीक है। अब अगला देखिए अगला में क्या चैप्टर सी स्लैब्स की बात होती है टू वे रिइंफोर्समेंट लिखा था रिइंफोर्समेंट इन बोथ डायरेक्शन होता है एल बाई एल एक्स लेस देन टू होना चाहिए लेस देन टू मतलब क्या ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसलिए दोनों साइड में रिइंफोर्समेंट देना पड़ेगा ठीक है। हाई स्टील में क्या होता है डेप्थ इंक्रीज होता है परमिसेबल वैल्यू यानी एल अपॉइंट डी मल्टीप्लाइड बाई 0.8 देखो हाई स्टील फ्रेम में क्या होता है डेप्थ इंक्रीज होता है परमिसेबल वैल्यू यानी एल अपॉइंट डी मल्टीप्लाइड बाई 0.8 सो डेप्थ इंक्रीज और लेंथ डिक्रीजेज ठीक है। ठीक है वैल्यू जो है ना एल अपॉइंट डी का रेसियो 0.8 से मल्टीप्लाई होता है मतलब कि डेप्थ या तो इंक्रीज करो या फिर लेंथ को डिक्रीज करो ठीक है। एल अपॉन डी है ना तो लेंथ को डिक्रीज करें फिर डी को तभी वैल्यू कम होगा ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है नेगेटिव के लिए एडजेसेंट या अल्टरनेट पॉजिटिव के लिए नेक्स्ट टू एडजेसेंट ठीक है। नेगेटिव के लिए एडजेसेंट अल्टरनेट और नेक्स्ट टू एडजेसेंट या मोमेंट ठीक है। मतलब जो नेगेटिव हो तुम्हारे जस्ट बगल में होगा ठीक है। नेगेटिव बगल में हो पॉजिटिव उसके बाद में ठीक है। फोर सपोर्ट और मिड स्पैन ठीक है। ये देखो अभी कहता टू वे स्लैब में टॉर्सनल फोर्स में 0.75 होता है टू वे स्लैब में टॉर्सनल फोर्स 0.75 एस्टी देते तो वही मिड पॉइंट पे ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट का ऑफसेट ये देखो वन वे स्लैब के लिए पिगॉर्स मीटर यूज करते जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड में करते कंटिन्यूस के लिए मार्कस में फिर से बोला वन वे स्लैब के लिए पिगॉर्स मीटर जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड में करते कंटिन्यूस के लिए मार्कस में ठीक है। टाइप ऑफ स्लैब लॉन्ग स्पेन के लिए आर्क स्लैब यूज करते हैं मीडियम स्पेन के लिए डेक स्लैब यूज करते हैं स्मॉल ड्रेन के लिए रिजिड फ्रेम कलवर्ट डिटर्मिनेंट के लिए कैंटिलीवर बॉक्स के लिए ब्रिज डेक स्लैब फिर से बोला लॉन्ग स्पेन के लिए आर्क मीडियम के लिए डेक स्मॉल के लिए रिजिड फ्रेम कलवर्ट स्मॉल ड्रेन के लिए कलवर्ट यूज करते हैं डिटर्मिनेंट के लिए कैंटिलीवर और ये टिम्बर नथिंग एल बाई 6 पेपर 3D फ्रॉम सपोर्ट यूज करते हैं ठीक है। फ्लैट स्लैब याद रहे फ्लैट स्लैब के साथ कॉलम विदाउट बीम अगर बीम नहीं है कॉलम में तो फ्लैट स्लैब यूज करेंगे। हैव ड्रॉप्स टू रजिस्ट शेयर इसमें है ना ड्रॉप यूज करते हैं शेयर में ठीक है। फ्लैट स्लैब में ड्रॉप यूज होता है शेयर रजिस्टर करने के लिए ठीक है। इलास्टोमेरिक पैड्स हो तो बेटर होता है स्ट्रिंग लोअर से इलास्टोमेरिक पैड होना बेटर होगा स्टील लोअर से क्योंकि उसमें मेंटेनेंस कम चाहिए होगा ठीक है। अब ये देखो इल्ड लाइन थ्योरी में क्या होता है सम ऑफ नोडल फोर्सेस ऑफ इंटरसेक्शन 0 होता है। कैंटिलीवर एक्स मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टोरी एस बटर ज्यादा होना चाहिए 20 से एस अगर 20 से ज्यादा होता है कैंटिलीवर एक्स यूज करेंगे ठीक है। डबल रीइंफोर्समेंट लेस इकोनॉमिकल एज कंप्रेशन स्टील इज इनफोर्म डबल रीइंफोर्समेंट जो है वो लेस इकोनॉमिकल होगा क्योंकि इसमें कंप्रेशन स्टील यूज करते हैं जो कि अंडर इनफोर्म डबल इन्फोर्समेंट लेस इकोनॉमिकल क्यों होता है क्योंकि इसमें कंप्रेशन स्टील अंडर इन्फोर्समेंट होता है ठीक है। अब ये देखो इफेक्ट ऑफ टेंशन टेंशन बढ़ेगा तो लॉकिंग बढ़ेगा लॉकिंग बढ़ेगा सीर कैपेसिटी बढ़ेगा फिर से बोला टेंशन बढ़ेगा लॉकिंग बढ़ेगा लॉकिंग बढ़ेगा सीर कैपेसिटी बढ़ेगा बेंट अप बार डजन रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट ठीक है। बेंट अप बार बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट नहीं करेगा ठीक है। मैक्सिमम फोर्स देखो 4% 85/FY ठीक है 85/FY यूज करेंगे ठीक है। 85/FY परसेंटेज होगा ठीक है या फिर 40 SB/OFD में ठीक है। अब कॉबन्स मेथड का यूज़ क्यों करते हैं गर्डन यूज करते हैं। डीप बीम क्या होता है डायगोनल क्रैक ड्यू टू टेंशन होता है और टेंशन फिलर इज नॉट सडन बट लाइक अंडर इन्फोर्स ठीक है। पहले बोल रहा हूँ डायगोनल क्रैक टेंशन की वजह से होता है और टेंशन फिलर सडन नहीं होता बल्कि अंडर इन्फोर्स की होता है ठीक है। डिफॉर्मेशन ड्यू टू फ्लेक्चर या फिर सीयर होता है ठीक है। डिफॉर्मेशन या तो फ्लेक्चर की वजह से होता है या फिर सीयर की वजह से होता है ठीक है। एल अपॉन डी ये अगर 10 से ज़्यादा तो हम लॉन्गर स्पेन मानेंगे उसका हम कम करेंगे ठीक है। एलाउड डिफ्लेक्शन को डिक्रीज करें टेल अपॉन स्पेन से हम कम करें मतलब एल अगर 10 से ज़्यादा है तो एलाउड डिफ्लेक्शन को डिक्रीज करेंगे टेल अपॉन स्पेन के वैल्यू से ठीक है। डिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन एरिया और रिफोर्समेंट एरिया रिफोर्समेंट डिपेंड करेगा श्रिंकेज कॉल्ड टेंशन एंड क्रैक ठीक है। कंटिन्यूस बीम डिजाइन में क्या टी बी में स्पेन मोमेंट यूज करें रेक्टेंगुलर में सपोर्ट मोमेंट फिर से बोलो टी बी में स्पेन मोमेंट और रेक्टेंगुलर बीम में सपोर्ट मोमेंट कंटिन्यूस बीम के केस में ठीक है। अब सीयर देखो सीयर क्या होता है टेंडेंसी टू स्लाइड ओवर ईच अदर ड्यू टू बेंडिंग बेंडिंग को एक दूसरे पर स्लाइड करने का पोटेंशियल होता है सीयर। मिनिमम सीयर क्या होता है प्रेजेंट मिनिमम सीयर क्या होता है सडन फ्लेयर को प्रिवेंट करता है। मिनिमम सीयर फ्लेक्चर क्रैक ड्यू टू प्रिंसिपल ट्रैक सडन फ्लेयर को भी रोकता है फ्लेक्चर के लिए को भी रोकता है ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है डी फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट क्रिटिकल सेक्शन डी फ्रॉम फेस अप टू प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट के लिए कंटिन्यूस लेटरल सपोर्ट के लिए सीयर कनेक्टर यूज करते हैं लेटरल सपोर्ट का कंटिन्यूस लेटरल सपोर्ट का भी यूज करते हैं सीयर कनेक्टर के लिए यूज करते हैं
कंटिन्यूस लेटरल और लेटरल सपोर्ट टू बीम के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यूस भी ये हो गया, बीम के लिए क्या करते हैं, टॉप फ्लैंज इंबेडेड टू स्लैब, टॉप पीस को स्लैब में अंदर जाने देते हैं, और ब्रेसिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज या सीयर करेक्टर, ठीक है, ब्रेसिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज या फिर सीयर करेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। फैक्टर स्पेसिंग सीयर स्ट्रेंथ, ये क्या लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट पर डिपेंड करेगा, लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट पर सीयर स्ट्रेंथ लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट में यूज़ करेगा, सीयर रिइंफोर्समेंट में नहीं, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर कंक्रीट पर डिपेंड करेगा, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। स्लैब रेजिस्ट सीयर बाई थिकनेस, स्लैब ने सीयर को रेजिस्ट करेगा थिकनेस से, ठीक है। मिनिमम स्टील इन्फोर्समेंट, एज स्ट्रिप ऑफ टू वे स्लैब 0.15 टाइम्स, मिडिल स्ट्रिप 0.75 टाइम्स, ठीक है। एज स्ट्रिप्स ऑफ टू वे स्लैब, ये 0.15 टाइम होगा, मिडिल स्ट्रिप 0.75 टाइम, ठीक है। फ्लैट स्लैब, ये शॉर्टर स्टोरी के लिए यूज करते हैं, इजर टू कंस्ट्रक्ट होता है, चीपर होता है, ठीक है। फ्लैट स्लैब पहले बार शॉर्टर स्टोरी के लिए यूज करते हैं, इजर टू कंस्ट्रक्ट होता है, चीपर के लिए यूज होता है, ठीक है। अब बेसिक स्टील, डब्ल्यू एस एम ए का था ई स्टील, मतलब ये बता चुका, डबल में क्या था, सिग्मा एस टी इक्वल टू सिग्मा एस सी, ठीक है। डब्ल्यू एस एम ए स्ट्रेन सेम होगा, और डबल में क्या होगा, स्ट्रेस सेम होगा, ठीक है। डब्ल्यू सी में स्टील का स्ट्रेन सेम होगा, और डबल में स्टील का स्ट्रेस सेम होगा, ठीक है। आर सी सी में मैक्सिमम परसेंट मूवमेंट स्ट्रेंथ क्या था, 30% था। टॉर्सनल इन्फोर्समेंट क्या करता है, क्रैकिंग और रिस्पॉन्स। स्प्लाइसिंग का यूज करते हैं, बेंडिंग मोमेंट्स बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बाई टू से भी कम हो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बाई टू से भी कम हो तो स्प्लाइसिंग यूज करेंगे। सो नॉट बी डन एट मिनिमम पॉसिबल, जहाँ मिनिमम मोमेंट पे नहीं करते, ठीक है। नो स्प्लाइसिंग हुआ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और मतलब जहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर मैक्सिमम शेयर फोर्स हो वहाँ नहीं यूज करेंगे। अच्छा, मैक्सिमम शेयर फोर्स तो क्या, बेंडिंग मोमेंट जीरो, मतलब क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो या फिर बेंडिंग मोमेंट जीरो, वहाँ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी देखो नोट, बेंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ कंटिन्यूअस स्लैब अपॉन बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट ऑफ कंटिन्यूअस स्लैब, मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कंटिन्यूअस स्लैब अपॉन मीटर स्क्वायर इन ऑर्थोगोनल आर सी एम, ठीक है। मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कंटिन्यूअस स्लैब ये मीटर स्क्वायर डिफ्लेक्शन इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में सेम होता है, ठीक है। मोमेंट कोएफिशिएंट मीटर स्क्वायर में सेम होंगे, ठीक है। अभी तो शेयर कनेक्टर के लिए बता चुका हूँ, डिफॉर्मली 1.6, कंप्रेसली 1.6 1.25, डिफॉर्मली 1.6, कंप्रेसली 1.25, ठीक है। शेयर स्पेन क्या था, जहाँ पे शेयर फोर्स कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। एल डी देख लो 5 डीएस, एम ओपन वी प्लस एल नॉट, ठीक है। एल नॉट क्या है, ये देखो एल डी डेवलपमेंट और एल नॉट क्या एंकरेज लेंथ, ठीक है। एम नॉट ओपन भी एल नॉट क्या है, ठीक है। इट इज चेक्ड ओनली फॉर पॉजिटिव मोमेंट इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड वेव एंड पॉइंट ऑफ लोकेशन, ठीक है। देखो ये मोस्टली ना पॉजिटिव मोमेंट के लिए चेक करते हैं, जब सिंपली सपोर्टेड वेव पॉइंट ऑफ लोकेशन है, ठीक है, निगेटिवली चेक नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, डायगोनल टेंशन क्रैक इज रिड्यूस्ड व्हेन एक्सियल कंप्रेशन शियर फोर्स एक्सेल्ड, मतलब डायगोनल टेंशन क्रैक रिड्यूस कब होगा, जब एक्सियल कंप्रेशन या फिर शियर फोर्स दोनों एक साथ यूज करेंगे, तो दोनों एक साथ डायगोनल टेंशन क्रैक रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। टाउ सी मैक्स डिपेंड करेगा डायगोनल कंप्रेशन पे, टाउ सी मैक्स कंप्रेशन पे, ठीक है, डायगोनल कंप्रेशन पे, ठीक है। कर्टेलमेंट, कर्टेलमेंट कब होता है, रिइंफोर्समेंट इज, रिइंफोर्समेंट डेट इज कर्टेलमेंट का भी करें, रिइंफोर्समेंट डेट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर फ्लेक्सल बियॉन्ड अ सर्टेन सेक्शन, साइड बी एक्सटेंड बाई डी, ठीक है। रिइंफोर्समेंट डेट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर फ्लेक्सल बियॉन्ड अ सर्टेन सेक्शन साइड बी एक्सटेंड बाई डी और 12 डी, मतलब जिस रिइंफोर्समेंट को फ्लेक्सल के यूज नहीं करता उसको डी या फिर 12 फाई और एक्सटेंड कर दे, ठीक है, बिफोर बिंग कर्टेन, कर्टेन को इसको थोड़ा एक्सटेंड करें, मतलब जिस रिइंफोर्समेंट को फ्लेक्सल के लिए यूज नहीं करें उसको डी या फिर 12 फाई से इंक्रीज करेंगे कर्टेन पहले, ठीक है। एटलीस्ट हाफ द बार शुड बी बेंट अप एट कट ऑफ पॉइंट, मतलब हाफ कट ऑफ पॉइंट पे हाफ ऑफ बार को बेंट करना चाहिए, ठीक है। शेयर कैपेसिटी एट कट ऑफ पॉइंट शुड नॉट एक्सीड 2/3, शेयर कैपेसिटी 2/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 9 पर मीटर इंक्लूडिंग शेयर स्ट्रेंथ, मतलब ठीक है, शेयर कैपेसिटी 2/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर फ्लेक्सल के लिए यूज नहीं करें तो डी या फिर 2/5 एक्सटेंड करो बिफोर कर्टेलिंग, ठीक है। और कट ऑफ पॉइंट पे क्या होगा, एटलीस्ट हाफ द बेंड, मतलब कम से कम हाफ को बेंड करो, कट ऑफ पॉइंट पे कम से कम हाफ को बेंड करो, ठीक है। मिनिमम फॉर्मेट यूज करें टर्सिनल टक्लिटी और डेवलपमेंट के लिए, देखो एंकरेज लेंथ 890 के लिए 8/5, 135 के लिए 60, 180 के लिए 40, मतलब 45 डिग्री पर दो दो कम हो रहा है, ठीक है। 90 के लिए 8/5, 9 और 8, 135 के लिए 6/8 और 180 के लिए 4/8, ठीक है। यू टाइप हुक में 16 ऑफ यूज करो, सब लैपलेन में 15, ठीक है। यू टाइप हुक में 16/5 और लैपलेन में 45, ठीक है। मोर नंबर ऑफ स्मॉलर डायमीटर देन लार्ज, मतलब छोटे स्मॉलर डाया वाले के ज्यादा नंबर यूज करना बेटर है एज कम्पेयर टू बड़ा डायमीटर यूज, ठीक है। अब ये देखो लैप लेंथ, कंप्रेशन के लिए लैप लेंथ 24/5 से देखो, फ्लेक्सर के लिए 6 बढ़ा दो, 35 प्लस और टी डी सी एफ टी, ठीक है। कंप्रेशन के लिए 35, इसके लिए 35 प्लस एल डी और लैप लेंथ के लिए 35 प्लस ये, मतलब कितना हो जाएगा, देखो 16 वहाँ पे खत्म हुआ हुक में, कितना हो 16, अब 16 में 8 बढ़ाओ तो कंप्रेशन ये हो गया, फिर इसमें 8 बढ़ाओ 6 यहाँ और 1 यहाँ, तो ये हो गया फ्लेक्सर टेंसर, और इसमें क्या हो गया, इसमें 8 बढ़ा तो क्या डायरेक्ट टेंशन 30 और प्लस 2 डी, और फ्लेक्सर के लिए क्या 30 प्लस, मतलब देखो देखो लैप यू टाइप हुक के लिए 16/5 है एंकरेज, समझ में आ गया, कंप्रेशन के लिए 8 बढ़ाओ ये हो गया, फिर 8 इसमें बढ़ाओ तो डायरेक्ट टेंशन के लिए 35 प्लस 2 डी, ठीक है। अब इसमें है फ्लेक्सर के लिए एक कमी करो 35 और LD, ठीक है। थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट, एक्जियल कंप्रेसिव फोर्स कॉल फ्लेक्सर इंक्लाइन ग्राफ, एक्जियल फोर्स क्या करें फ्लेक्सर इंक्लाइन ग्राफ करेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल कट ऑफ क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर पे होगा, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डिस्टेंस विद थ्योरेटिकल एंड एब्सोल्यूट कट ऑफ इज इक्वल टू 12/5 और d, ठीक है। थ्योरेटिकल एक्चुअल कट ऑफ का डिस्टेंस कितना होगा 12/5 या फिर 8 डी होगा ग्रेटर में, जो दोनों में से जो ग्रेटर होगा, ठीक है। एंकरेज रिक्वायरमेंट क्या होगा, फुटिंग स्लैब का होगा LD फ्रॉम कॉलम बेस
एंकरेज रिक्वायरमेंट, फुटिंग स्लैब के लिए LD फ्रॉम कॉलर फेस, कैंटिलीवर के लिए LD इंटू सपोर्ट, SSB के लिए LD/3 इंटू सपोर्ट, ठीक है, फुटिंग के लिए LD, कैंटिलीवर के लिए LD इंटू सपोर्ट, SSB के लिए LD/3 इंटू, ठीक है। अब कॉलम देखो, लेटरल साइन कॉलम, अवॉइड बकलिंग करते नो इफेक्ट इन सीयर, फिर से बोले कॉलम के लिए लेटरल टाई होंगे, अवॉइड बकलिंग नो इफेक्ट इन क्लियर, फ्लेक्जल सीयर स्ट्रेंथ प्लस एक्जियल इंक्रीज, ये क्रसिंग करेगा, फ्लेक्जल सीयर इंक्रीज करेगा, हाँ क्रसिंग के वजह क्रैक्सिंग में क्या होता है, फ्लेक्जर सीयर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है, फ्लेक्जर और एक्जल दोनों करेगा, ठीक है। इनफ्लेक्टिव भी हिंज हमारे पता है, पेडेस्टियल 11 भी से कम हो तो क्या होगा, पेडेस्टियल मतलब चौड़ाई ज़्यादा, ठीक है। एसेंट्रिसिटी या तो 20 mm होगा, या फिर 11/500, या फिर लेटरल में से बाई 30, ये देख लो ये सब चीज़ें, ठीक है। ये होगा, अब PU ये देख लो, जीरो मोस्टली हम ACM 0.1 ACM 1% मानते हैं, AC 99% मानते हैं, AS मतलब कितना है 1% मानते हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन से ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो बता चुको 15, 25, 40 SBCF कर देंगे, अब ये देखो L/D, ठीक है। अब ई मीन 0.05D से कम हो या फिर L 12 से कम, शॉर्ट कॉलम के लिए ई मीन 0.05 से, ई जो तुम्हारा इसमें से जो मिनिमम आएगा ना, इसमें से जो मैक्सिमम आएगा, यही सेंटिसिटी ने मैक्सिमम निकाल, ठीक है, इसमें से मैक्सिमम निकाल लिया। अब ये जो है ना 0.05D से कम होना चाहिए और 12 से कम हो तभी शॉर्ट कॉलम होगा, अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लॉन्ग कॉलम है, लॉन्ग कॉलम के लिए ये फॉर्मूलाइज करें 1.25 L इफेक्ट पड़ी है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स में स्लैब में 0.15, कॉलम में 0.8%, ठीक है, स्लैब में 0.15%, कॉलम में 0.8%, लेफ्ट पर कॉलम 0.8 से 4%, अनलेफ्ट बार कॉलम 0.8 से 6%, ठीक है। फिर जो लेफ्ट बार कॉलम के लिए 0.8 से 4% और अनलेफ्ट के लिए 0.8 से 6%, ठीक है। डायमंड एंड वेल्डेड 0.0012 और D16 से कम है 0.0012, मतलब 0.12% हो जाएगा, 0.12% हो गया AG। अभी देखो नोट, वाटर टैंक रिपोर्ट पर 0.24 × 0.08 T-100/350, ठीक है। मिनो नंबर ऑफ बार क्या, रेक्टेंगुलर में 4 रखते हैं, सर्कुलर में 6 लेते हैं, पेडेस्टल मतलब ये हो गया, इनपुट में 0.15 से 6%, ठीक है। टाइज में देख लो 5 5 mean by 4 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए, पिच में क्या होगा, लीस्ट लेटरल 16.5 और 300, ठीक है। अब ये देखो आज से फक यू होगा हेल्थ केयर रिफॉर्म, अब पीछे देख लो इसका और इसका मिनिमम होगा और इसका इसका मैक्सिमम लेगा, ठीक है, इसका इसका मिनिमम और इसका इसका मैक्सिमम लेंगे, ठीक है। पिच में चलो 75 75 DC/6 और 35 25, इसके दोनों का मिनिमम लेंगे, इस दोनों का मैक्सिमम लेंगे, ठीक है, याद रहे। 0.4 FC cap प्लस 0.67 ER फार्मूला तो पता है, LSM में कहता है 0.4 FC cap 0.687 है 0.67, ठीक है। और ये फोर क्रिटिकल स्टेज का था, वन वे में डी पे होगा, 2R में D/2, बॉक्स पे होगा डी फ्रॉम फास्ट, और ये रहा डीप ग्रेन कंटेनर में कहा वर्टिकल प्रेशर इंक्रीज कंटिन्यूसली, हॉरिजॉन्टल प्रेशर अप्रोच लिमिट, ठीक है। व्हाइल एम्प्टी इंटू प्रेशर इम्प्टिंग में ज्यादा होगा, फिलिंग से ज्यादा इम्प्टिंग में होगा प्रेशर, ठीक है। अब आर्क एक्सेल में का हाइट अबाउट लिंटल हो 1.25 ट्रेंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। मैक्सिमम पोजीशन कितना होगा 3D/400, वेट्रल बेड का शेयर स्ट्रेंथ होगा, रेजिस्टेंट बकलिंग इन ऑल, एक्सटर्नल वॉल इज रिटेनिंग वॉल इन केस ऑफ अंडरग्राउंड, ठीक है। अब लेटरल स्टेबिलिटी का 16 भी